आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट। तो एक गूगल सीट की हमारी दूसरी क्लास है, विजय पटेल जी है नाइट की क्लासेस में। और विजय पटेल जी, हमने लास्ट क्लासेस में बताया था गूगल सीट कैसे इस्तेमाल करेंगे, गूगल सीट के साथ और कौन से एप्लीकेशन है, कैसे वगैरह लॉग इन करेंगे और कैसे उसके टेम्पलेट्स लेंगे, डेटा कैसे हैंडल करेंगे वगैरह वगैरह। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई थी, राइट। राइट सर। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लासेस की तरफ। ओके सर। तो हम यहां पे ड्राइव को लॉगिन करते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा सर। तो हाँ हम बात करने जा रहे हैं गूगल ड्राइव के ऊपर, सॉरी गूगल सीट के ऊपर। तो गूगल सीट में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया कि कैसे गूगल सीट क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए, हम यहाँ पे अनटाइटल स्प्रेडशीट जो अपने पहले से हमने स्टोर किया हुआ था, तो यहाँ पे स्टोरेज है या फिर और भी इसमें बहुत सारा डेटा है जो कि इनपुट शीट है, इनपुट शीट वगैरह दिख रहा होगा, लास्ट क्लास में हमने बनाया था ना, हाँ सर। या डीडी है, ये सब शीट्स अवेलेबल है हमारे पास, ये भी ले सकते हैं या फिर यहाँ अनटाइटल शीट पर डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया हमारा, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे टू, दूसरी क्लास है गूगल सीट की हमारी। अब इसमें हम मेनू बार के हिसाब से चलते हैं, राइट। ओके सर। तो मेनू बार से पहले यहाँ आपके सामने फाइल मेनू बार में हम आते हैं। तो सबसे पहले आता है शेयर, मतलब कि इस डेटा को किसी और के साथ शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके करते हैं, आपको उसकी जीमेल आईडी डालना होगा, क्लिक करते ही वो उसके गूगल ड्राइव में चला जाएगा। गूगल ड्राइव में कहाँ जाएगा, जाएगा शेयर विथ मी, ऐसे मेल भी जाएगा, ऐसे शेयर विथ मी में जाएगा तो उसको उसकी फाइल दिख जाएगा कि उसने उसके साथ कौन कौन से फाइल शेयर किए गए। लेकिन अगर आप सर। इसमें गेट सर्वर लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके एक लिंक हो जाएगा जिसको आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे दिख सकते हैं एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, मतलब कि अब उसमें उसकी आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी आपने शेयर कर दिया ना, शेयर जब कर लेते हैं हाँ तो शेयर करते समय हाँ क्या होता है कि वो अपने जीमेल आईडी है, जब तक लॉगिन नहीं करता तब तक इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सेव लिंक हमने कर दिया तो क्या हो गया, ऐसे कॉपी लिंक कर दिया, अब मैं ये फाइल किसी को भी दे दूंगा तो उसको जो है लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट इस फाइल को, इस रिपोर्ट को, ये जो भी आपके डेटा को ओपन देख सकता है, समझे। ओके देखा सर। डेटू आ गया। ये लिंक डायरेक्ट जीमेल में आप कॉपी पेस्ट करके भेज दीजिए, मेल व्हाट्सएप कर। कर दीजिए, चैट पे भेज दीजिए, किसी मीडियम से, ओके सर। ठीक है। तो ये आपका गेट सेंड ओके लिंक होता है। लेकिन ऐसे आपके आप ईमेल कर रहे हैं किसी को तो इसमें आपके पास तीन चीजें हैं कि कैन एडिट, मतलब फाइल को कुछ भी वो फाइल पे कर सकता है, कैन ओके कमेंट, मतलब कि फाइल के ऊपर एडिट नहीं कर सकता, कमेंट कर सकता है। ओके यहाँ कमेंट दिख रहा है ना आपको, यहाँ कमेंट होता है। हाँ तीसरा आता है कैन व्यू, ओनली व्यू कर सकता है। अब एक चीज देखिएगा, हिसाब रखिएगा कि ये फाइल लिंक जब आपने भेजा तो वो फाइल लिंक्ड हो गया, मतलब कि आपके आप जो भी एंट्री करेंगे उसको दिखेगा। अगर व्यू सिस्टम है तो, अगर आपने एडिट सिस्टम कर रखा है तो अब वो भी कुछ एक्सेस करेगा तो आपको भी दिखेगा, एक तरह से कॉमन फाइल हो जाएगी। अगर आप एडिट पे करते हैं, व्यू पे करते हैं तो आप जो भी एंट्री करेंगे, जो भी यहां करेंगे वो उसको व्यू कर सकता है, ओके ठीक है, ओके सर। समझ गए। हाँ सर। तो ये आपका फाइल में शेयर सिस्टम होता है, तो शेयर करते समय इन चीजों का ध्यान आप रखेंगे। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो इसको किस किस के साथ शेयर किया गया है वो भी ऑप्शन दिखेगा, उसको आप हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एनीवन व्यू के जगह पे आप यहां पे दे सकते हैं कि
ऑफ स्पेसिफिक पीपल व्यू करे या ऑन पब्लिक ऑन द वेब करे वगैरह वगैरह। नीचे वाला कैन व्यू कौन सा? ये सर, इसको हम चेंज कर दिया व्यू कैन। इसमें क्या करना चाहते हैं, एडिट करवाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो वगैरह वगैरह, कमेंट एडिट मतलब एक्सेस देना होता है। वो आगे वाला जो था वही वही है कैन व्यू। हाँ तो सेल आ गया आपको? हाँ सर। सेल के बाद आप न्यू पे आते हैं, तो न्यू में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप एक टेम्पलेट क्रिएट, मतलब एक स्प्रेडशीट ब्लैंक जिसे कंट्रोल एन एम लोग नॉर्मल एक्सेल में करते हैं वो करना है, या फ्रॉम टेम्पलेट मतलब कि आपको टेम्पलेट से उठाना है। उसके अलावा ये अदर एप्लीकेशन है कि आपको डॉक्यूमेंट मतलब कि वर्ड खोलना है, पीपीटी खोलना है, या फॉर्म खोलना है, या फिर ड्रॉइंग खोलना है। ये चार अलग अलग एप्लीकेशन है, ये भी आप यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया तो यहाँ पे देखिए मुझे वर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इमेज वर्ड आ गया। हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गूगल वर्ड गूगल आ गया ना, गूगल आ गया। हाँ तो सर जी, नहीं वो क्लास खत्म हो गई थी ना, 9:45 में खत्म हो जाती है ना। अच्छा मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, मैं यूट्यूब चैनल से देख लीजिए। सॉरी तो इस समझ में आ गया आपको। शेयर के बाद अगला ऑप्शन न्यू हो गया, न्यू के बाद हम बात करते हैं ओपन, मतलब कि आप उसको आप जो फाइल जो है ओपन कर सकते हैं अपने गूगल शीट से, गूगल शीट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से, और यहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो एक तो हुआ कि आप आपको गूगल ड्राइव में जाके फिर फाइल ओपन करना हो, आप यहीं से ड्राइव फाइल ओपन कर सकते हैं। हेलो अतीश जी, कैसे हैं सर? सर मैंने आपको मेल आपकी ऑफिशियल आईडी पे कर दी थी सर। हेलो हेलो, नहीं विजय जी, अतीश जी बात कर, अतीश पांडे जी अनम्यूट करें, मैं सुन पाऊंगा आपको। सर वो आप, हेलो, मैंने मेल आपकी ऑफिशियल आईडी पे कर दी थी सर। हाँ हाँ सर, अभी आपका दूसरा ईमेल मिल गया। हाँ मुझे फिर देखा आपकी ईमेल आईडी मैच किया उसी ईमेल आईडी, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपको भेजा था स्टेशन तो उसी से। यस हाँ यस। तो सर वो तो यहाँ आप जो है जैसे कि आपको अगर कोई नया फाइल खोलना हो तो यहाँ से खोल सकते हैं गूगल ड्राइव में जाके, लेकिन आप यहीं से भी कर सकते हो। यहाँ फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपके सामने आपके सारे फाइल्स आ जाएंगे। कौन सी फाइल्स? जो आपकी गूगल ड्राइव में है या आपके साथ जो शेयर की गई है या कोई और शेयर्ड फाइल या रिसेंट जो आपने यूज किया है, या फिर आप अपलोड कर सकते हैं एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल अपने अपने कंप्यूटर से। ठीक है विजय जी? ओके सर। ये आपका ओपन का आता है। उसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब हुआ कि आप फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो। ओपन और इंपोर्ट जो है वो मोस्टली एक ही जैसा सिस्टम है, बट इंपोर्ट में जब अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप अपनी एक्सेल फाइल, नोटपैड की फाइल भी इसमें डाल सकते हैं आप। ठीक है ना, इसमें कोई भी फाइल आ जाएगी। हाँ कोई भी फाइल आ जाएगी। इंपोर्ट मेक ए कॉपी, आप इसी की कॉपी बनाना चाहते हैं, डाउनलोड आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि ये फाइल तो आपकी वेब पे है ना, आपकी गूगल ड्राइव पर डली हुई है, तो इसको डाउनलोड करना चाहो तो आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल फॉर्मेट में या ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में या एचटीएमएल फॉर्मेट में या फिर सीवीएस फॉर्मेट में या फिर टैब्स टीएसवी जो टैब सेपरेटेड फॉर्मेट होता है उसमें करना चाहते हो, ये सारे फॉर्मेटेड है। या इस फाइल को आप ईमेल करना चाहते हो किसी पर्सन को
क्लिक करते ही आप उसको ईमेल कर सकते हो, किस फॉर्म में, तो पीडीएफ या एक्सेल फॉर्मेट में, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और अपनी मैसेज वगैरह डाल के इसको सेंड करेंगे तो आपकी अकाउंट से चला जाएगा। मतलब कि इसमें फायदा होता है, इसमें फायदा एक और है अतीश जी, जैसे कि अगर आप गूगल सीट यूज करते हैं ना, एक्सेल की जैसा ही वो भी होता है, ऑनलाइन होता है सारा, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेल करने के लिए वापस जीमेल में या आउटलुक में जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से इसको मेल कर सकते हैं फाइल को, ओके सर। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट। अब यहाँ पे आता है मेक अवेलेबल ऑफलाइन, मतलब कि आप इसको जो है ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इसमें जो काम करूं, मेरे जितने भी श्योर्ड है पर्सन है उनको कुछ ऐसा ये ना हो, मतलब ना दिखे इफेक्ट, तो इसको आप ऑफलाइन कर दीजिए, समझे। वर्जन हिस्ट्री की यहां पे इसका दे सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, फाइल कब क्रिएट हुआ, कब बना वगैरह वगैरह, पहले क्या था, कब अपलोड हुआ, कब चेंज हुआ, आप देख सकते हैं कि 22 दिसंबर को 45 पे क्रिएट की गई है मेरे द्वारा, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी दिख रही है, आज जो है इसका यूज किया जाएगा, तो ये आपको पता चल जाता है कि ये फाइल को किस किस ने एडिट किया है, और ये जो हाईलाइट दिख रहा है आपको ना, ये एडिट हाँ सर, एरिया है कि कहाँ कहाँ एडिट हुआ है, ठीक है, हाँ सर, टोटल एडिट कितने हुए हैं वो भी आपको यहां दिख जाएगा। मैं बैक कीजिए, मैं बैक किया वापस गूगल सीट पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे रिनेम फाइल को, जैसे डे टू की जगह पे कोई रिनेम करना चाहते हैं, मूव मतलब कि किसी अनोदर फोल्डर में इसको मूव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो ये आपके मेन फोल्डर में पड़ा हुआ है ना, इसके बहुत सारे हाँ सपोर्ट्स सर, हैं, उसमें रिमूव करना चाहे उसमें रिमूव कर सकता है, या फिर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। पब्लिश टू वेब, मतलब कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर इंटायर डॉक्यूमेंट को आप या करना चाहते हैं, लिंक के जरिए पब्लिश करना चाहते हैं, या फिर एम्बेड करना चाहते हैं। एम्बेड समझते क्या होता है, नहीं सर। बताता हूं आपको, जैसे मेरी वेबसाइट अगर खोलते हैं, sujithkumar.co.in मेरी प्रोफाइल वेबसाइट है, और इसमें एक इससे पहले आप लगाते हैं यहाँ पे www.com जो आ रहा है इसको हटा दीजिए, excel.sujithkumar.co.in, ठीक है, हाँ सर, तो ये वेबसाइट है जिसमें मेरे तकरीबन 2000 से ऊपर वीडियोज लिंक है टाइटल के साथ, इसमें इजीली ढूंढ सकते हैं, नया चीज भी आपको बता दिया, ठीक है, जैसे कि पिवट टेबल इन हाँ हिंदी सर, क्लिक किया तो मेरे पिवट टेबल इन हिंदी का वीडियो दिखेगा, ये जो हाँ सर, आप हाँ, ये एम्बेड है, मैंने यूट्यूब को अपने वेब पेज पे एम्बेड कर दिया हुआ है, समझे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं इसी तरह सुजीत से कुमार, आपकी एडवांस। फाइल एम्बेड हो जाएगी, आपको जैसे पब्लिक कीजिएगा तो आपको एचटीएमएल का कोड मिल जाएगा, जिसको अपने वेब पेज पे इसको कर सकते हो, या लिंक करना चाहो तो लिंक कर सकते हो, ताकि आप बाकी सबको शेयर कर सको पब्लिकली। अगर वेबसाइट नहीं होगी तो एम्बेड कैसे करेंगे सर? वेबसाइट नहीं होगी तो आप इसमें एम्बेड कर सकते हो ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉग पे, डायरेक्ट भी हो जाएगा। हाँ ब्लॉग पे, ब्लॉग समझते हैं ना नहीं पता सर। सर, ब्लॉग नहीं समझते हैं, जैसे कि ब्लॉग मतलब इंटरनेट पे आप ब्लॉग बना सकते हो, ब्लॉगर होता है ना, इस तरह से ब्लॉगर अपने हिसाब से कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, इसके लिए वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फेसबुक और बहुत सारे जो आए हैं अब आया है ना, पहले ब्लॉगर चलते थे, आपको कुछ भी अगर मैटर लिखना हो तो इस तरह से आप डायरेक्ट पेज बना सकते हैं, ये पेज बना हुआ मेरा, ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा सर, हाँ पब्लिश हो पेज का, जाएगा। अपने पेज से मेरा ये पेज का यूआरएल है mis-training-delhi.blogspot.com, तो ये यूआरएल कोई किसी को मैं दे दूंगा, तो जैसे ही सर लोग खोलेगा तो मुझे उसको मेरा ब्लॉग दिख जाएगा, दिख गया, हाँ सर, जिस पे मैं अपनी क्लासेस की वीडियोस शेयर करता हूँ।
ठीक है। बिना बिना वेबसाइट से भी ब्लॉग से कर सकते हैं सर हाँ ऐसा? हाँ कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, जो देखिएगा। अजीत जी आप जानते ओके सर, यस सर। ब्लॉग में गूगल का ही पार्ट है, वो किसी और का नहीं है, गूगल का ही है। ठीक है। ओके सर, डॉक्यूमेंट डिटेल्स है, ये आपका प्रिंट है, ये आपकी स्प्रेडशीट की सेटिंग है कि ये आपका इसका लैंग्वेज कौन सा है, कौन सा टाइम जोन है, कैलकुलेशन मोड क्या है, ऑन चेंज है या फिर जब आप चाहेंगे तब, तो वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से फाइल मेनू बार आपको समझ में आ गई होगी, राइट? राइट सर। तो इसकी चीजों पे आप प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडिट मेनू बार, ठीक है? ओके सर, ऐसे एक एक दिन करके मेनू बार हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों पे, क्योंकि ये ऑप्शंस भी पता होने चाहिए ना सर पहले। हाँ सर,